हेलो एवरीवन, मैं हूँ वंदना झा और आज का हमारा टॉपिक है गॉल्जी एपरेटस। गॉल्जी एपरेटस एक ऑर्गेनल है जिसका आपको रफ स्केच मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, आप देख सकते हैं स्केच। इसको डिस्कवर किया था, ये गॉल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन जो है एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन होता है और चीज़ों की पैकेजिंग करता है ये। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करते हैं। बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गॉल्जी ने। कैमिलो गॉल्जी ने की थी 1898 में, नर्वस सिस्टम में की थी। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले इसकी स्टडी हुई थी कैमिलो गॉल्जी के द्वारा। कैमिलो गॉल्जी जो थे, उनका जन्म जो है वो 1843 में हुआ था, और ये नर्वस सिस्टम की स्टडी इन्होंने जो है एक हॉस्पिटल में, ये वो हॉस्पिटल था एबियटे ग्रासो नाम की जगह। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्पेलिंग, बट ये इनका वर्क प्लेस था जहां पर ये चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। चीफ मेडिकल ऑफिसर थे यहीं पर, इसी इसी एबियटो ग्रासो के हॉस्पिटल में के किचन में। किचन में इन्होंने अपना एक लेबोरेटरी बना रखी थी, इन्होंने छोटी सी लेबोरेटरी बना रखी थी, और यहीं पर इन्होंने नर्वस सिस्टम में जो है डिस्कवरी की थी गॉल्जी एपरेटस की। जब इन्होंने इसकी डिस्कवरी की तो इसको इन्होंने टर्म दिया एपेरेटो रेटिकुलर इंटरनो, जिसका मतलब होता है इंटरनल रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर या सिस्टम। आप देख सकते हैं, जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी की थी तब भी हमको कुछ ऐसा ही रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर मिला था। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में भी लगभग ऐसा ही रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें भी उसके ही सिमिलैरिटीज में, जैसे कि ये सिस्टर्ना है, ये वेसिकल्स हैं और वैक्यूल्स। यही चीज़ें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ी थी, बट उसका फंक्शन अलग है और इसका फंक्शन अलग है। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स जो है एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ये एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास रहता है। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के अराउंड रहता है। और प्लांट सेल में ये स्कैटर्ड रहता है। स्कैटर्ड मतलब हर जगह फैले हुए रहते हैं, छोटे छोटे गुच्छों के बंच के रूप में स्कैटर्ड रहता है। और इसका एक नया टर्म हो जाता है, उसको कहते हैं डिक्टियोजोम। प्लांट सेल के अंदर ये स्कैटर्ड रहता है और इसका टर्म चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है डिक्टियोजोम। ये जो है एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के पास रहने का इसका मेन रीज़न यही है, क्योंकि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसा हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, तो ये प्रोटीन्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स
में वेसिकल्स के अंदर पैक होके ये चले जाते हैं गॉल्जी अपरेटस में, यहाँ पे इनका दो काम होता है, एक होता है मॉडिफिकेशन, फिर होती है इसकी, इसमें इसका तीन काम होता है, एक मॉडिफिकेशन, फिर होती है इसकी पैकेजिंग, फिर होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं पहले इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही होंगी, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये सिस्टर्ना कहलाती हैं। सिंगल सिंगुलर है तो सिस्टर्ना और प्लूरल है तो सिस्टर्नी। दो सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस रहता है उसको ल्यूमन या सिस्टर्नल स्पेस कहा जाता है, सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन। अब इसके जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में एक फेस इधर की तरफ है और दूसरा फेस इधर की तरफ है। तो पहला फेस जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है और न्यूक्लियस के पास वाला जो फेस होता है वो सिस फेस कहलाता है, और दूसरा फेस जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसको कहते हैं ट्रांस फेस। ये सिस फेस जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहता है और जो भी वहां पर बनती हैं चीजें जैसे प्रोटीन वगैरह बनी या फिर कभी कभी फैट भी, वेसिकल्स के रूप में फैट भी ये आता है, कहाँ? ये सिस्टर्ना के पास, और उसके पास ये, उसके बाद ये अंदर, इसके अंदर इन हो जाता है। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की फंक्शन इसमें होती है जो कि हम पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये वेसिकल्स इसके अंदर जाता है, फिर इसका मॉडिफिकेशन होता है, चाहे वो प्रोटीन रहता है या फैट रहता है, प्रोटीन या फैट जो भी रहता है उसका मॉडिफिकेशन होता है अंदर में, और उसके बाद फिर उसकी पैकेजिंग होती है, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेल्युलर भी हो सकता है और इंट्रासेल्युलर भी हो सकता है। ये गॉल्गी अपैरेटस जो है, पहले इसका तो नाम इन्होंने इंटरनल लेटिकुलर स्ट्रक्चर रख दिया था कैमिलो गॉल्गी ने, पर इसका जो है टर्म गॉल्गी अपैरेटस, एक्चुअल जो टर्म है ये यूज हुआ था एक्चुअली 1910 में यूज हुआ था। उसके बाद 1913 में ये साइंटिफिकली, साइंटिफिक लिटरेचर जो आती है उसमें ये ऐड हुआ था वर्ड गॉल्गी अपरेटस, ये हुआ था। इसका एक और टर्म दिया गया गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये टर्म यूज हुआ था 1956 में, 1956 में। तो गॉल्गी गॉल्गी अपरेटस कहें या गॉल्गी कॉम्प्लेक्स कहें या गॉल्गी बॉडी कहें या सिर्फ गॉल्गी कहें, हम एक ही चीज को स्टडी करते हैं इन सारे पॉइंट्स के अंदर। ये सारे नाम एक ही चीज के हैं। अब बात करें इसके फंक्शन की, जैसा हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसका? तो प्रोटीन एंड लिपिड का, इसमें कभी कभी क्या होता है कि शुगर्स, जो सिंपल शुगर्स होते हैं वो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में आने के बाद, एंटर होने के बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाते हैं।
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाते हैं, सिंपल सिंपल शुगर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स या गॉल्गी अपरेटस में आकर के ये सिंपल शुगर जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो मॉडिफिकेशन करता है चीज़ों की, पैकेजिंग करता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेल्युलर भी हो सकता है और इंट्रासेल्युलर भी हो सकता है। इंट्रासेल्युलर भी हो सकता है, इंट्रासेल्युलर मैक्सिममली यही होता है, इंटरसेल्युलर भी कभी कभी हो सकता है। जैसे कोई ऑर्गन जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, या फिर जहाँ पर जैसे एंजाइम्स जहाँ बनते हैं वहाँ पे भी आपको देख उन ऑर्गन्स में भी गॉल्गी कॉम्प्लेक्स की जो नंबर्स हैं वो वेरी करते हैं। एंजाइम्स या प्रोटीन से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं, हॉर्मोन्स से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स की जो नंबर्स है वो हाई होती है और ये नंबर सेल टू सेल वेरी करते हैं। सेल टू सेल वेरी करते हैं और ये एक और बहुत, इसका एक और फंक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट, कि ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गॉल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। कैसे होता है जब हम ये लाइसोसोम पढ़ेंगे फिर उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसकी चीज़ एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम। ये एक रफ डायग्राम है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का। इसका सिस फेज जो है न्यूक्लियस की तरफ रहता है, जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बने हुए प्रोटीन्स वगैरह और फैट वगैरह जो है वो वेसिकल्स के रूप में इसके अंदर इन्वेड कर जाते हैं एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से। उसके बाद ये सिस्टर्नी है, ये ल्यूमन है, इंटरसिस्टर्नल स्पेस या सिस्टर्नल स्पेस जिसको ल्यूमन कहा जा रहा है, ये वेसिकल्स हैं। जब चीज़ों की पैकेजिंग होती है तो ये वेसिकल्स इसके ट्रांस फेस पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये ट्रांस फेस से वेसिकल के अंदर चीज़ें पैक होकर फिर यहाँ से डिटैच हो जाती हैं ट्रांस फेस के तरफ से। ये ट्रांस फेस है, ये सिक्रेटरी वेसिकल है जो कि रेडी है इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर मूवमेंट के लिए, और ये वैक्यूल्स हैं जिसके अंदर भी मटेरियल्स पैक्ड रहते हैं। मुझे आशा है कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। थैंक यू।